हेलो फ्रेंड, गुड आफ्टरनून। आप सब कैसे हैं फ्रेंड? मैं आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। हाँ तो फ्रेंड, आज का टॉपिक है कतर जॉब्स के बारे में। जी हाँ, कतर की बेस्ट कंपनी का रिक्वायरमेंट आया है। जो कंपनी है, कंपनी पहले मैं बता दे रहा हूँ, कंपनी का नाम है केंट कंपनी। फ्रेंड आपसे बता दूँ कि मैं जो भी रिक्वायरमेंट आप लोग शेयर करता हूँ, आप लोग को बताता हूँ, वो कंपनी रहती है यानी कि कंट्रैक्टर रहती है, ठीक है ना। तो ही मैं रिक्वायरमेंट आप लोग से शेयर करता हूँ, यानी कि कोई सप्लाई कंपनी का रिक्वायरमेंट आप लोग से मैं नहीं बताता हूँ और ना ही शेयर करता हूँ। क्योंकि मैं जो भी कंपनी लेकर आता हूँ, जो भी कंपनी के बारे में बताता हूँ, मैं सोचता हूँ कि जो भी हमारे भाई जाए वो कंपनी में जाए, क्योंकि कंपनी का फ्री फूड रहता है, फ्री अकोमोडेशन रहता है, फ्री ट्रांसपोर्टेशन रहता है, यानी कि कंपनी सब कुछ प्रोवाइड करती है। यानी कि अगर आप बीमार पड़ गए तो फ्री मेडिकल होगा, ठीक है ना। यानी कि कंपनी की तरफ से आपका इंश्योरेंस रहेगा, ठीक है ना, आपका मेडिकल का भी पैसा नहीं लगेगा। और सबसे बड़ा चीज़ मैं बता दूँ कि ये जो रिक्वायरमेंट लेकर आया हूँ, ये जो रिक्वायरमेंट मैं बताने वाला हूँ, ये टोटल फ्री रिक्वायरमेंट है। यानी कि आपका एक रुपया सर्विस चार्ज नहीं लगेगा। जैसे मैं यहाँ पे सऊदी अरब में फ्री में आया हूँ, फ्री वीजा, फ्री टिकट, फ्री मेडिकल और फ्री फ्लाइट, ठीक है ना। वैसे ही ये फ्री रिक्वायरमेंट है, क्योंकि ये इंडिया के बेस्ट ऑफिस में रिक्वायरमेंट आया है। आपका भी एक रुपया सर्विस चार्ज नहीं लगेगा। जो मैं रिक्वायरमेंट आप लोग से बताने वाला हूँ, ध्यान से सुनिएगा। अगर आप वो जॉब से है, वो रिक्वायरमेंट है आपका, ठीक है ना, तो आपका एक रुपया सर्विस चार्ज नहीं लगेगा। टोटल फ्री में फ्लाइट होगा, ठीक है ना। यानी कि ना ही वीजा का पैसा लगेगा और ना ही टिकट का पैसा लगेगा, ना ही मेडिकल का पैसा लगेगा और ना ही फ्लाइट का पैसा लगेगा। और कंपनी सब कुछ प्रोवाइड कर रही है, यानी कि खाना फ्री और रहना, जो भी रूम का अकोमोडेशन है, सब कुछ फ्री, मेडिकल भी फ्री। अगर आप बीमार हुए, इलाज के लिए गए, तो सब कुछ आपका फ्री रहेगा। सबसे पहले मैं बता दूं फ्रेंड कि जो कंपनी है वो केंट कंपनी है, बहुत बड़ी कंपनी है कतर की। सऊदी में भी है, कतर में भी है, दुबई में भी है, मतलब हर जगह है, ठीक है ना। अगर आपको यकीन नहीं होगा तो कोई जो आपके दोस्त या रिलेशन कोई रहते होंगे गल्फ कंट्री में, सऊदी, दुबई, कतर, बहरीन, तो उनसे पूछ लीजिएगा कि कतर की केंट कंपनी कैसी है। अगर थोड़ा पढ़े लिखे हैं तो गूगल पे जाके सर्च कर लीजिएगा, गूगल आपको बता देगा कि केंट कंपनी कैसी है, कंट्रैक्टर है या सब कंट्रैक्टर है, यानी कि कंपनी है या सप्लाई है, ठीक है ना। और इसका फैसिलिटी कैसा है, रेटिंग तुरंत आ जाएगा, नहीं तो मेरे जैसे हजारों लोग वीडियो बनाकर डाले हैं केंट कंपनी कैसी है, ठीक है ना। तो फ्रेंड दो तीन टॉपिक में मैं बात करूंगा। सबसे पहले मैं बताऊंगा कि क्या क्या पोस्ट का रिक्वायरमेंट है, यानी कि किस किस जॉब का रिक्वायरमेंट है, और इसमें जाने के लिए आपके पास क्या एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है। और लास्ट फाइनली मैं बताऊंगा कि किस ऑफिस में रिक्वायरमेंट है। तो फ्रेंड वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बगल में बेल आइकन घंटी दबा दीजिए ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए फ्रेंड, सबसे पहले मैं बता दूँ कि कतर का रिक्वायरमेंट है, कतर की केंट कंपनी की, यानी कि कंट्रैक्टर है, बहुत बड़ी कंपनी है, टोटल अपना प्रोजेक्ट लेती है, ठीक है ना। और एकदम फ्री रिक्वायरमेंट है, इंडिया की टॉप ऑफिस में रिक्वायरमेंट आया है, इंडिया के बेस्ट ऑफिस में रिक्वायरमेंट आया है, यानी कि ये रियल गेम है, ठीक है ना, कोई फेक गेम नहीं है, ठीक है ना। अगर जो ट्रेड से मैं बताने वाला हूँ, जो ट्रेड में लेकर आया हूँ, जो जॉब में बताने वाला हूँ, अगर आप उस जॉब से हैं तो आपका एक रुपया सर्विस चार्ज नहीं लगेगा, ठीक है ना, बिना पैसे का फ्लाइट होगा, ठीक है, क्योंकि इंडिया की टॉप ऑफिस में रिक्वायरमेंट आया है, ठीक है। तो ध्यान से सुनिए क्या क्या पोस्ट का रिक्वायरमेंट है, यानी कि किस किस जॉब से जॉब का रिक्वायरमेंट है। फ्रेंड आपसे बता दूँ कि वीडियो पूरा देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले है फ्रेंड प्लानर DWR। जी हाँ, प्लानर DWR, जो सैलरी इसमें है 6,071 रियाल। जी हाँ, 6,071 रियाल है, 8 आवर्स का, यानी कि 8 घंटे का ड्यूटी है, 1 मंथ का सैलरी 6,000 रियाल है, ठीक है ना। HSE ऑफिसर, जी हाँ, HSE ऑफिसर का रिक्वायरमेंट है, इसमें जो सैलरी है 5,450 कतर रियाल, यानी कि 5,400 कतर रियाल सैलरी है, देखिए कितना हाई सैलरी दिया है, ठीक है ना। और HSE ऑफिसर में निवोस का कोर्स होना चाहिए। और इसके बाद जो नेक्स्ट रिक्वायरमेंट है फ्रेंड, इंस्ट्रूमेंट प्लानर का, जी हाँ, इंस्ट्रूमेंट प्लानर का रिक्वायरमेंट है, इसमें भी सैलरी 6,000 कतर रियाल, यानी कि 6,071 रियाल सैलरी है। देख रहे हैं, जो भी मैं रिक्वायरमेंट बता रहा हूँ, सैलरी 1 लाख से ऊपर आपका बन रहा है, 1 रियाल का इस टाइम में इंडिया का 22 रुपया बन रहा है, ठीक है ना। यानी कि 1 रियाल सेंड किए तो 22 रुपया, 6,000 का 6 दिन 12, ऐसे ही आपका 1,20,000-30,000 रुपया आपका सैलरी हो गया, ठीक है ना। तो यानी कि 1.5 लाख का प्रोस, 8 आवर्स का सैलरी बता रहा हूँ, ठीक है। इलेक्ट्रिकल प्लानर, जी हाँ, इलेक्ट्रिकल प्लानर का रिक्वायरमेंट है नेक्स्ट, इसमें भी सैलरी 6,071 रियाल, जी हाँ, 6,071 रियाल इसमें भी सैलरी है। इसके बाद फ्रेंड जो नेक्स्ट रिक्वायरमेंट है, इलेक्ट्रिकल QA QC इंस्पेक्टर, जी हाँ, इलेक्ट्रिकल QA QC इंस्पेक्टर का रिक्वायरमेंट है, इसमें भी जो सैलरी है 6,371 रियाल, यानी कि 6,371 रियाल, 8 आवर्स का सैलरी है, 1 मंथ का, ठीक है ना। और इसके बाद इंस्ट्रूमेंट QA QC इंस्पेक्टर है,
इसमें भी सैलरी है 6,371 रियाल। इसके बाद फ्रेंड इंस्ट्रूमेंट सुपरवाइजर का भी रिक्वायरमेंट, इंस्ट्रूमेंट सुपरवाइजर में भी सैलरी है 6,371 रियाल, यानी कि 6,371 रियाल सैलरी। देखिए जो भी मैं ये रिक्वायरमेंट बता रहा हूँ स्टाफ पोस्ट का, इसमें मैकेनिकल डिपार्टमेंट का भी है ठीक है ना, और जूनियर पोस्ट का भी, तो ध्यान से सुनिए, सबका सैलरी सबसे बहुत हाई सैलरी है। इसके बाद फ्रेंड इलेक्ट्रिकल सुपरवाइजर चाहिए, जी हाँ इलेक्ट्रिकल सुपरवाइजर में सैलरी 6,371 रियाल, यानी कि 6,371 रियाल दिया है। इसके बाद फ्रेंड सीनियर इंस्ट्रूमेंट टेक्नीशियन फोरमैन का रिक्वायरमेंट है, सीनियर इंस्ट्रूमेंट फोरमैन टेक्नीशियन का रिक्वायरमेंट है, इसमें जो सैलरी है 4,275 रियाल, यानी कि 4,275 रियाल 8 आवर्स का सैलरी, यानी कि 8 घंटे का सैलरी है। अगर ओवर टाइम कर रहे हैं तो 6,000-7,000 आपका सैलरी आएगा ठीक है ना, 71 रियाल। और इंस्ट्रूमेंट टेक्नीशियन चाहिए, जो भी हमारे भाई लोग, बहुत से हमारे भाई लोग कमेंट करते हैं कि सर इंस्ट्रूमेंट टेक्नीशियन का रिक्वायरमेंट बताइए, तो देखिए फाइनली अभी रिक्वायरमेंट आ गया इंस्ट्रूमेंट टेक्नीशियन का, इसमें भी सैलरी 2,925 रियाल, यानी कि 2,925 रियाल 8 आवर्स, यानी कि 8 घंटे का सैलरी है 1 मंथ का। अगर ओवर टाइम कर रहे हैं तो 4,000-5,000 आपका सैलरी आएगा ठीक है ना। इंस्ट्रूमेंट टेक्नीशियन में देख लीजिए 1 लाख रुपया अप्रोक्स 1 लाख रुपया आप सैलरी कमाएंगे। इसके बाद फ्रेंड जो नेक्स्ट रिक्वायरमेंट है HVAC टेक्नीशियन, हमारे बहुत से भाई लोग कमेंट भी करते हैं हमेशा कि सर HVAC टेक्नीशियन का रिक्वायरमेंट बताइए, तो फ्रेंड अभी बहुत से बंदे चाहिए, यानी कि 100 नॉइज बंदों का रिक्वायरमेंट है। देखिए यहाँ पे लिखा भी है 100 नॉइज बंदों का रिक्वायरमेंट है HVAC टेक्नीशियन में, इसमें भी सैलरी जो है 2,925 रियाल, लेकिन 2,925 लमसम 75 रुपया कम 3,071 रियाल 8 आवर्स, यानी कि 8 घंटे का 1 महीने का सैलरी है ठीक है। इसके बाद HVAC टेक्नीशियन टीम लीडर, जी हाँ इसका सैलरी 4,000, यानी कि 4,071 रियाल सैलरी है। इसके बाद इलेक्ट्रिकल टेक्नीशियन, HVAC इलेक्ट्रिकल टेक्नीशियन का रिक्वायरमेंट है, इसमें सैलरी 3,071 रियाल, यानी कि 3,071 रियाल 8 आवर्स, यानी कि 8 घंटे का सैलरी है। इसके बाद से लाइटिंग टेक्नीशियन, जी हाँ लाइटिंग टेक्नीशियन का रिक्वायरमेंट है, इसमें सैलरी 2,250 रियाल, यानी कि 2,250 रुपया लाइटिंग टेक्नीशियन में सैलरी दिया है ठीक है। इसके बाद फ्रेंड और टेक्नीशियन का रिक्वायरमेंट है, ध्यान से सुनिए, वीडियो पूरा दिखिएगा स्किप मत कीजिएगा ठीक है ना। HVAC इलेक्ट्रिकल टेक्नीशियन चाहिए, जी हाँ इसके सैलरी 3,571 रियाल है। और इसके बाद HVAC मैकेनिकल टेक्नीशियन चाहिए, इसमें सैलरी 2,750 रियाल, यानी कि 2,750 रियाल HVAC मैकेनिकल टेक्नीशियन में सैलरी है ठीक है। लाइटिंग टेक्नीशियन चाहिए, नहीं लाइटिंग टीम लीडर चाहिए, इसमें सैलरी 4,071 रियाल, यानी कि 4,071 रियाल सैलरी है। और लाइटिंग टेक्नीशियन भी चाहिए, लाइटिंग टेक्नीशियन भी बहुत से लोग कमेंट करते हैं, तो इसमें सैलरी 2,571 रियाल, यानी कि सबसे कम जो सैलरी है 2,200 से लेकर 2,500, बाकी सब 6,000-7,000 देख ही रहे हैं सैलरी, तो बहुत अच्छा रिक्वायरमेंट है फ्रेंड। कत्तर की बेस्ट कंपनी है केंट कंपनी, यानी कंट्रैक्टर है, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट लेती है और बहुत ज़्यादा मैन पावर है इसका, हमेशा रिक्वायरमेंट चलता है, सऊदी में भी है, दुबई में भी है, कत्तर में भी है, हर जगह है, बहुत बड़ी कंपनी है ठीक है ना। तो इसी का रिक्वायरमेंट आया है फ्रेंड, और आपसे बता दूँ एक्सपीरियंस, ध्यान से सुनिए क्या एक्सपीरियंस चाहिए। एक्सपीरियंस में लिखा है फ्रेंड ऑल कैंडिडेट शुड हैव डिग्री एंड डिप्लोमा, यानी कि स्टाफ पोस्ट है तो आपके पास डिग्री और डिप्लोमा दोनों होना चाहिए, जो भी ट्रेड से आप जाना चाहते हैं ठीक है ना। विथ 3 to 5 year एक्सपीरियंस GCC एक्सपीरियंस आयल एंड गैस कंपनी, यानी कि 3 से 5 साल का आयल और गैस का, तेल और गैस का GCC यानी कि गल्फ प्रोटेक्शन कंपनी का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए ठीक है ना। फ्रेंड आपसे बता दूं कि इसमें लिख दिया गया है फ्री फूड, फ्री अकोमोडेशन, फ्री ट्रांसपोर्टेशन, यानी कि कंपनी का रहना खाना पीना सब कुछ कंपनी प्रोवाइड करती है ठीक है ना। और एंड ट्रांसपोर्टेशन, यानी कि जो आप ड्यूटी करने जाएंगे आएंगे सब कंपनी की तरफ से गाड़ी रहेगा ठीक है ना। फ्री मेडिकल है, यानी कंपनी की तरफ से मेडिकल है, अगर आप बीमार पड़ गए तो इंश्योरेंस रहेगा, हॉस्पिटल जाएंगे तो आपको दवा बीरू सब फ्री में होगा ठीक है ना। प्लस जिस दिन छुट्टी करेंगे उस दिन का 8 आवर्स का पैसा आपको डॉक्टर छुट्टी देगा तो कंपनी भर के देगी ठीक है ना। और शॉर्ट लिस्टिंग इन प्रोग्रेस, यानी कि शॉर्ट लिस्टिंग चल रहा है ठीक है ना, शॉर्ट लिस्टिंग चल रहा है, जो भी भाई लोग स्टेट से हैं अपना ऑफिस पे जाकर शॉर्ट लिस्टिंग करा सकते हैं। तो आप इसका नाम ध्यान से सुनिए, जो ऑफिस से फ्रेंड वो है सीगल इंटरनेशनल, जी हाँ इंडिया की टॉप ऑफिस का रिक्वायरमेंट है सीगल इंटरनेशनल, इसी में रिक्वायरमेंट आया है। तो ध्यान से सुनिए, एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल आईडी में सब कुछ बताऊंगा ठीक है ना। तो सीगल इंटरनेशनल LLP मुंबई, जी हाँ ये ऑफिस है ठीक है ना, इसका एड्रेस है 4th फ्लोर सीगल इंटरनेशनल LLP ठीक है ना, मुंबई 4th फ्लोर वेलिंगटन बिजनेस पार्क 2nd रूबी कोच लाइन ऑफ अंधेरी कुर्ला रोड मरोल अंधेरी ईस्ट। अगेन मैं रिपीट कर दे रहा हूँ, 4th फ्लोर वेलिंगटन बिजनेस पार्क 2nd रूबी कोच लाइन ऑफ अंधेरी कुर्ला रोड मरोल अंधेरी ईस्ट, ये आप इसका एड्रेस है सीगल इंटरनेशनल मुंबई का ठीक है ना। और इसका कॉन्टेक्ट नंबर नोट कर लीजिए, पहले लैंडलाइन नंबर बता दे रहा हूँ। हाँ एक चीज़ ध्यान में सुनिए,
जब भी आप कॉल कीजिएगा 10 बजे से लेकर शाम को 5 बजे के बीच में ही कॉल कीजिएगा, और रविवार को कॉल मत कीजिएगा क्योंकि संडे ऑफ रहता है, रविवार को बंद रहता है, ठीक है ना। तो इसका लैंडलाइन नंबर नोट कर लीजिए, 0224616271। जी हाँ, 0224616271। और ये नंबर नहीं लग रहा है तो एक और नंबर लगाइएगा, 0224616272। जी हाँ, अगर ये भी नहीं लग रहा है तो लास्ट का 72 हटाकर 73 कर दीजिएगा, तब ये आपका नंबर लगेगा। ये लैंडलाइन नंबर है, ठीक है ना, ये मोबाइल नंबर नहीं है। ये 10 बजे से लेकर शाम को 5 बजे के बीच में कॉल कीजिएगा, मंडे टू सैटरडे, संडे को मत कीजिएगा, संडे को ऑफ रहता है यानी छुट्टी रहती है, ठीक है। इसके बाद व्हाट्सअप नंबर मैं बता रहा हूँ, जो भी आपका इंक्वायरी हो या जो भी आपका मैसेज कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो व्हाट्सअप नंबर नोट कर लीजिए, 8978976964261। जी हाँ, 8976964261 ये व्हाट्सअप नंबर है, जी हाँ, इस पर आप कमेंट कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड आपसे बता दूँ, इसका फाइनल क्लाइंट इंटरव्यू 20 अगस्त 2024 को चलेगा, यानी कि 20 अगस्त 2024 को चलेगा। आज है 9 अगस्त, यानी कि बहुत लंबा टाइम है, अभी 11-12 दिन समय है। बिंदास आप ऑफिस पे जा सकते हैं, अपना शॉर्ट लिस्टिंग करा सकते हैं, ठीक है ना। ईमेल आईडी भी नोट कर लीजिए ऑफिस का, सिगल ऑफिस का ईमेल आईडी मैं बता दे रहा हूँ। अगर आप चाहेंगे तो अपना बायोडाटा, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट जो भी है सेंड करके अपना ईमेल करा सकते हैं, मतलब ईमेल से अपना शॉर्ट लिस्टिंग करा सकते हैं, ठीक है ना। तो ईमेल आईडी है फ्रेंड, sigalkattar2024@gmail.com। जी हाँ, sigalkattar2024@gmail.com। जी हाँ, sigalkattar2024@gmail.com ये ईमेल आईडी है। इस पर अपना बायोडाटा, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, फोटो जो भी अपना सेंड करके, जो भी कमेंट है आप अपना शॉर्टलिस्टिंग करा सकते हैं, ठीक है ना, अपना इंक्वायरी ले सकते हैं, ठीक है ना फ्रेंड। शॉर्टलिस्टिंग चल रहा है और कत्तर की टॉप कंपनी का रिक्वायरमेंट है, केंट कंपनी का, ठीक है। तो जैसे रिक्वायरमेंट मुझे पता चला तो सोचा कि क्यों ना आप लोग से शेयर कर दूँ, जल्दी से बता दूँ कि जो भी हमारे भाई लोग स्टेट से है अपना जाना चाहते हैं, अपना जाकर शॉर्टलिस्टिंग करा लीजिए। और सिगल ऑफिस पे 20 तारीख को इसका फाइनल क्लाइंट इंटरव्यू चलेगा। अभी शॉर्टलिस्टिंग चल रहा है, शॉर्टलिस्टिंग के लिए ओरिजिनल पासपोर्ट, ओरिजिनल एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट प्लस बायोडाटा और फोटो लेके जाइएगा। तो ओके फ्रेंड, वीडियो लंबा हो रहा है तो वीडियो का यही कर रहा हूँ। तो आई होप कि हमारा इन्फॉर्मेशन आप लोग को अच्छा लगा, अच्छा लगा तो भी लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा, और अभी तक आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए बाय बाय, गुड बाय।